सो गाइस टेस्टिंग द लड्डू, बहुत टेस्टी बने हैं, मज़ा आया खा के। और बेसन के लड्डू वैसे मेरे फेवरेट है। और मम्मी बना रही थी तो मैं सो रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं सोच रहा कि मैं सुबह 6 बजे उठ के तब व्लॉग एडिट करूँगी, पर मुझे पता होता कि 1-2 घंटे बाद मेरी नींद खुल जाएगी और मेरी नींद खुल गई। इन्जॉय करते अपना लड्डू। मुझे तो मन कर रहा है कि मम्मी से बनवाते जाओ बनवाते जाओ बनवाते जाओ, फीका दूध और ये लड्डू, गरम तेल फीका दूध ना। सो गाइस मुझे बहुत ज़बरदस्त क्रेविंग हो रही है एक और लड्डू खाने की, तो मैं साथ में कर लूँ अपना आधा कप तेज़ गरम फीका दूध एंड साथ में खाऊँगी लड्डू एक और। और मुझे पता है मम्मी का व्लॉग देख के मुझे बहुत मारेगी, क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता मम्मी ने कितने लड्डू बनाए हैं, गिनती के बनाए हैं अपने फास्ट के लिए। कोई बात नहीं, मैं मम्मी के साथ हेल्प करा के दोबारा बनवा दूँगी, बट मज़ा आया था बेसन के लड्डू खा के। एंड आई रिमेंबर कि मैं पीछे वाले हलवाई से लेती थी, 3 रुपये का एक लड्डू आता था बेसन का, और बेसन के लड्डू की क्रेविंग ऐसी होती है, एक खाओ दो खाओ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो चलो अपना मिल्क करते हैं तेज गरम, फटाफट से किचन में जाके एंड खाते हैं एक लड्डू। ये रहा लड्डू का डब्बा, इसमें से चोर करना लड्डू, और इधर दूर हो रहा मेरा गर्म फीका। मैंने ढूंढ कर चुन कर निकाले सबसे बड़ा लड्डू, और मुझे दूध गर्म हुए, बड़ा लवली कॉम्बिनेशन। गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मीठे के साथ फीके दूध का कॉम्बिनेशन किस किस को पसंद है। मम्मी और मेरे को बहुत पसंद है, मैं इस चीज़ पे पूरी मम्मी पे गई हूँ। नेक्स्ट लेवल। गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, चल देते हैं अपने एरोबिक्स पे। आज ही मेरे फंक्शन में फ्रेंड्स के साथ जाना, मुझे रजौरी ट्रॉय में, ट्रॉय या शायद उसमें, चलिए चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे अपना फंक्शन और अपनी तितलियाँ। तो क्लास हो चुकी है डन, फटाफट से चलते हैं घर। मैं कोई पार्टी में, ये किसने करी तूने? तेरे फैन का सब। तो चलिए फ्रेंड्स चल। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग हो चुकी है, बस मैं रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज जाना है फंक्शन में। और जैसे कि कल मेरा व्रत था तो मैंने गुल्लू की कंजक निकाल दी है। तो फ्रेंड्स ये रही गुल्लू की कंजक, इसको रख देती हूँ मैं एक थैली में, और खाने में बना रही हूँ मैं राजमा चावल लंच के लिए, फटाफट से मैं हो रही हूँ लेट। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं, फिर आप सबसे मिलवाते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली है, क्योंकि कोई भी कपड़ा मुझे आ नहीं रहा है, तो यही ड्रेस आ गई है मेरे को। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। लेट लतीफ़ हो? लेट लतीफ़ तो नहीं है, बिल्कुल टाइम पे है। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? भैया छोड़ के भाग रहा था तुम्हें? हाँ भैया छोड़ के, हम पैसे नहीं देते बिल्कुल भी। और तुम्हें हर बार हम कहाँ से लेते हैं? यहाँ से तो हम कभी भी नहीं आए यार। ए संतोष मिट्टी के लिए कहाँ से लेते हैं? तो फिर कहाँ मिलते हैं हम? ये तो और हमारे को पीछे भगा रही थी हमेशा किट्टी के लिए सीमा को, इसको यहीं से लेते हैं इसी गेट से। तो ये तो इससे बात करना, मेरे से क्यों कर रही है? तो मैं तो ठीक टाइम पे आई हूँ। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं, कहाँ आना था हमें? हमें ट्रॉय 2.0, किसने मिलना है तो आज पूनम से? राखी से तो 133। मुझसे तो कौन मिलता है, मुझसे तो रोज वीडियो में सब मिल लेते हैं, पूनम से नहीं मिल पाते इसलिए। मैं रोज तेरी वीडियो में आ जाती है, दुनिया मेरे को सब पूछते हैं।
कल परसों तो उस भाभी को इतने पकड़ लिया भाई, तुम मथुरा भी ना बन जाते तो कैसे और तू मेरी ये वो डाल दियो बस। ये यहाँ पे हमारी पार्टी, ये सारी तरह तितलियां आ गई हैं। ये देखो इनके गाउन देखो जरा, एक तेरी टांग दिख रही है जब ही तो वन पीस के लाए ना। लंबे भी आते बहन से क्या कुछ मुझे दिख रहे थे। ये ले गुंडा कर दी सड़क पे, चल मैं इनका दिखा दूं क्या। तो फ्रेंड्स ये बन चुके हैं हमारे हाथों में बैंड। तो फ्रेंड्स ये बैठ गई हमारी तितलियां, तितलियां नहीं चिड़िया, चिड़िया है ना, चिड़िया वीआईपी सारे। ओहो ओहो मैंने आपको वो वीडियो देखा, आप बैठे हो, मैंने पैसे मैं दूंगी, मैं भी कभी देना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, वो वायरल है। इन्होंने मेरे लिए हार्ड ड्रिंक मंगाया है, सॉफ्ट ड्रिंक में मेरा गुजारा नहीं चलता क्योंकि ये इसका कहना चाहती था। शशि ने कितना मुझे हार्ड ड्रिंक पिला पिला के तूने मेरा एक्सपीरियंस लिया। हार्ड ड्रिंक पीने वाला ही इतनी एनर्जी से लड़ाई कर सकता है। तो तू तू भी पीती है, इतना लूटती है, लड़ती नहीं, इतना लूटता अपने सभी को, इतना लूटती है। बेचारे अच्छी होती है, ब्लू लग अच्छी होगी। पहले मैं घर पे बहुत बनाई है मैंने, लेट हो गए यहाँ आप लोग। चलो डीजे पे डांस करते सब कर रहे हैं, चलो डीजे पे डांस करें। ओहो ओहो मम्मी ये भी एक बार ड्राई क्लीन करा दो, लगे हाथ ये बैठ लोगे तो तेरा बाप 3 दिन तक सोफे पे नहीं बैठ पाएगा। तो क्या हो गया, नहीं बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे उसमें क्या, अंदर बैठ जाएंगे। कमरे में नहीं बैठते थे पापा पहले, पुराने घर में क्या पापा पहले सोफो पे आके बैठते थे। टेक अंदर बेड पे टेक नहीं है पापा की, वो पूछ ले। क्या पूछना क्या है इसमें। शुक्रवार
24 तारीख को ड्रैग क्लीन कराओ, 25 को हम जा ही रहे हैं, 26 को रात को आएंगे, सुख गए। सुन लिया, मेरे बर्थडे के बाद ड्राई क्लीन कराओ, तो ड्राई क्लीन का फायदा क्या है? सुन लिया मम्मी, कल करा लो। मैं तो बोल रही हूँ लगे हाथ इनको ड्राई क्लीन भी करा लो, चमक जाएंगे। और अभी मेरे बर्थडे तक कवर मत चढ़ाओ। सो गाइस सोफे ये देखो, सारे ड्राई क्लीन करा रहे हैं। भावेश बोल रहे हैं कि 900 रुपए में हो जाएंगी ड्राई क्लीन। सो ये देखो मम्मी को, मम्मी आते ही सब तहस नहस, जैसे होता ना पांडा आता है कहीं से, पांडा आके अपनी सारी चीजें उतार के लेट जाता है, थक गया मैं, ऐसे ऐसे किया है आपने, क्यूट पांडा। पांडा की जरा मेरी रील देख तो मम्मी। ओहो 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 मम्मी, हमारा राजमा कढ़ाई वाला है या फ्राइंग पैन वाला है? हाँ मम्मी, फ्राइंग पैन में तो राजमा ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है रिशा, है ही नहीं लड्डू खाए हैं मैंने दो, एक पहले खाया वो इतना टेस्टी लगा, फिर दूसरे के लिए तेज गरम दूध किया फीका। पहले लड्डू कम में मुझे लगी रात से, मैंने कहा, मैंने बोला व्लॉग में कि मैं मम्मी की हेल्प करा दूंगी दोबारा बनवाने में। मम्मी मेरे बेसन के वैसे भी फेवरेट है, तो पहले बोल देती मैं चार कटोरा बेसन डाल के बनाती। यार मम्मी, गाइस आज राजमा इतना कम पड़ गया, इतना कम पड़ेगा कि मैं अपना राजमा पानी डाल के लाएगी, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तब भी मेरे चावल बच गए, इतने सारे बच गए थे वो खा लिए रूखे, अब ये फीके और खाए नहीं जा रहे, पर खाऊंगी। मम्मी चाय बना लो विद लड्डू, लड्डू का नाम लिया तो फूट जाएगी मम्मी प्लीज। अब पता है अगर वो खोई खोई ना खाना में सड़े जाए तो तब दुख हो, अब हम खा रहे हैं तो अब तुम्हें तब दुख है। अपना आज तब से अपनी रील्स बनाई जा रही है। और इन नए कपड़े कहाँ से आए मम्मी? कौन से नए कपड़े? ये जो पहने हैं पहली बार देखे, अब दोबारा मत बोलना कि ये पहने थे पहले, कब बताना, अच्छा बता दो कब कब पहने हैं ये? फर्स्ट टाइम तो उदयपुर में पहने थे। उदयपुर में? अच्छा, फिर रील भी है बहुत सारी देख। अच्छा, सेकंड टाइम किट्टी में पहने थे, पता नहीं। थर्ड टाइम सिर्फ किसी प्रोग्राम में पहने थे, कहां चौथी मैं तो पहली बार देख रही हूँ, कसम से भगवान कसम। तू रील देख उदयपुर। मम्मी चाय चढ़ा लो, इतने सोफे मैं कुछ नहीं कर रही, सोफा दिखा तू, मैं अंदर जाके लेट रही हूँ। मम्मी ऐसी क्या पार्टी हो गई यार, क्या आपको तो शरीर ही बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल ही बैठे बोएगा। नजर लग गई मेरे को। हाँ बस रोज हर बार जाने में नजर लग जाती है, जाती क्यों है समझ नहीं आता मम्मी। गाइस ये सोफे का कवर इतना कलर इतना अच्छा लग रहा है, बस नीट एंड क्लीन हो गया से चमक जाएंगे सोफे हैं। अब देखो अब मम्मी अंदर जाके लेट जाएंगी, बेचारे बेड का क्या होगा पता नहीं। मेरी तो टांगे ही चलनी बंद हो गई है जब से ठुकी है। ये देखो पांडा यहाँ की लेडिया। सो फिलहाल करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड। एंड जैसे मतलब हम लोग की जनरेशन के बच्चे लोग पार्टी करते हैं क्लब्स एंड ऑल में, कैफेज में, लॉन्च में, सो ऐसी आज मम्मी ने करी, उनकी वीडियोस देख के तो मुझे यही लगा, तो बड़ा अच्छा लगा कि मदर्स को भी मौका मिलता है एंजॉय करने का। तो हम लोगों की साइड से तो खैर पूरी फ्रीडम रहती है कि ठीक है एंजॉय करो आप अपनी लाइफ को। और सोफे बहुत ही ज़्यादा गंदे हुए हुए थे, एंड ये जो ऊपर का जो डार्क वाला कवर है जो इतने टाइम से चढ़ा हुआ था वो भावेश की चॉइस थी, मम्मी और मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था। तो हम लोग सोचे थे ड्राई क्लीन कराएं, तो जब हमने कवर बनवाए तो हमें ड्राई क्लीन नहीं कराया था, हमने ऐसे ही चढ़ा दिए थे। बट अब जब कवर आज वॉश करने के लिए दिए, मतलब वॉश करे, तो देखा नीचे के सोफे तो बहुत गंदे हुए हैं। फिर मम्मी और भावेश को यही था कि सीट्स बैठ जाती हैं, नहीं कराने ड्राई क्लीन। एंड मुझे ये था कि हमारे कौन सा लाख दो लाख के सोफे हैं जो हम टेंशन ले कि सीट बैठ जाएगी या कुछ हो जाएगा, और वैसे भी आगे जाके घर चेंज करना है या सोफे चेंज करना है, जो भी करना है तो करना तो है ही। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती बोला कि यार करवाओ इसको नक्की काम। सो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि सोफों में से
कितना मैल निकला है एंड किस तरीके से उन्होंने ड्राई क्लीन किए हैं। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ड्राई क्लीनर्स का नंबर भी दूंगी। सो मुझे नहीं पता वो कहाँ तक आ सकते हैं, बट आई गेस विद इन डेली वो हर जगह आ सकते होंगे क्लीन करने। सो आई हैव नो आइडिया। सो आपको अगर सही लगे हमारे सोफे, नेक्स्ट व्लॉग आप देखना। सो आप लोग डेफिनेटली आप भी ड्राई क्लीन कराना। एंड गद्दियाँ बैठती हैं या नहीं बैठती वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी एक बार ड्राई अप हो जाए, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। आप बस नेक्स्ट व्लॉग देखना। टिल देन इस व्लॉग को करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। लव यू गाइज एंड 12 बजे व्लॉग डालूंगी पक्का प्रॉमिस।